हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही सादा पर बहुत ही हेल्दी ऑनियन कुकुम्बर रायता। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। दही एक कटोरी, मीठी दही है, नमक स्वादानुसार, एक कुकुम्बर, एक ऑनियन, एक हरी मिर्च, पुदीना और कुछ धनिया पत्ती, और उसके बाद आधा स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर, आधा स्पून शक्कर, तड़का लगाने के लिए जीरा सरसों और कुछ तेल सबसे पहले, और एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है। अब सबसे पहले मैं कुकुम्बर को दोनों साइड से काट के इसको थोड़ा सा रब करूँगी। अगर कुकुम्बर कड़वा हो तो वो निकल जाएगा। अब मैं कुकुम्बर का छिलका निकाल के इसको बारीक खींच ले रही हूँ। आप चाहो तो कुकुम्बर को बारीक चॉप भी कर सकते हो। अब मैं प्याज को बारीक काट के उसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने उसमें डाला है बारीक कटा पुदीना, बारीक कटा धनिया पत्ती, पुदीना ऑप्शनल है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अब मैं उसमें डाल रही हूँ दही, दही एक कटोरी है और मीठी वाली दही है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर 1/2 स्पून, फिर उसके बाद 1/2 स्पून जीरा पाउडर, उसके बाद 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप तुरंत खा रहे हो तो नमक डालना, अदरवाइज़ आप आधे घंटे या थोड़ी देर बाद खाओगे तो नमक खाने से जस्ट थोड़ी देर पहले डालना। अब मैंने तड़का वाला पैन रखा है, इसमें मैंने सिर्फ 1 स्पून ऑयल डाला है। उसके बाद ऑयल जैसे गर्म हुआ उसमें मैंने डाला जीरा सरसों करिया पत्ती। बस तड़का बन के रेडी है, इसको डालूंगी दही के ऊपर। हमारा रायता रेडी है, इसको जीरा राइस, पुलाव, बिरयानी, पराठे किसी के भी साथ सर्व करो, बहुत अच्छा लगेगा, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। आप भी ये टेस्टी ऑनियन कुकुम्बर रायता बनाइए और बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।